आज हमने बनाया है कुरकुरे क्रिस्पी भजिया और साथ में हरी धनिया की चटनी से एकदम टेस्टी लगते हैं ये भजिया। और इसको बनाना भी एकदम आसान है, जिसके लिए हमने लिया है पालक। इसको धो के अच्छे से साफ कर लिया है, पालक एकदम छोटे छोटे नाजुक पत्ते हैं इनके, एकदम फ्रेश है। अब इनको हमें फटाफट से कट कर लेनी है, तो पालक को हम कट कर लेंगे और हम इसको चावल के आटे से बनाएंगे। चावल के आटे से भी भजिया अच्छा बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। जिसके लिए हमने पालक को कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 कच्चे आलू। पालक में कच्चे आलू डालने से टेस्ट अच्छा आता है, तो आलू को हमें कद्दूकस कर लेनी है। हम आलू को फटाफट से कर लिए हैं कद्दूकस। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। पहले हम चावल का आटा डाल लेते हैं। तो देखिए, हमें जितनी ज़रूरत है हमने चावल का आटा लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच तीखी मिर्ची पाउडर। अब हमने लिया है क्रशेड अजवाइन, जीरा, नमक और हल्दी। अब इनको डाल देंगे हम इसमें, और डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट। देखिए, हमने बारीक नहीं पीसा है, आपको दरदरा पीसनी है इसको। अब हम डाल देंगे, अब इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच बेसन। अगर आपको चावल का आटा पसंद नहीं है तो आप ये पे बेसन का इस्तेमाल कीजिए। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स करनी है। हमने इसमें नमक डाला है, तो हमारे पालक पानी छोड़ेंगे थोड़ा, उस हिसाब से हमें अच्छे से मिक्स करनी है। और अपना बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, तो हमने जो पेस्ट बनाया था उसमें 2 चम्मच पानी डाला, अब इसमें डाल देंगे हम। अब इनको बढ़िया से मिलाएंगे। फ्रेंड, आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको। और देखिए, हमने डाला है इसमें आधा नींबू का रस। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो दोनों स्किप कर दीजिए। अब देखिए, हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हमने गैस पे ऑयल को गरम रखा है, पहले से गरम हो गया। अब इसमें डालेंगे भजिया। हम 2 तरह से इस भजिया को बना के दिखाएंगे, और दोनों तरह से क्रिस्पी, कुरकुरे और अच्छे लगते हैं। तो आप बने रहिए आगे देखने के लिए मेरी वीडियो में। और चावल के आटे डालने से एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी भजिया बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, हमारा भजिया सिक रहा है। हमें लो मीडियम फ्लेम पे पकानी है भजिया को, नहीं तो अंदर से पकेंगे नहीं और जल जाएंगे। तो देखिए, हमारे भजिया अच्छे से पक गए। अब हमें निकाल लेनी है इनको, और निकालने के बाद देखिए कलर कुछ इस तरह दिख रहा है, एकदम अच्छा और टेस्टी लगता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए, उसी बैटर में हमने डाला है 1 प्याज, और हमें और कुछ नहीं डालनी है। प्याज को अच्छे से फेंट लेनी है हमको, जितना अच्छा फेटेंगे ना हमारा भजिया फ्लफी और नरम बनेगा अंदर से, और ऊपर से क्रिस्पी होगा। तो देखिए, हमने डो को अच्छे से फेंट लिया है। फिर इनको डालेंगे ऑयल में छोटे छोटे, आप आकार अपना चपटा गोल जो अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं इसका गोल आकार दी हूँ। और फटाफट से डाल के इन भजिया को फ्राई करेंगे। आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपने इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। चावल के आटे से एकदम कुरकुरी टेस्ट आती है, और हरे धनिया से टेस्ट इसका और बढ़िया लगता है। आप इसी तरह बनाइए और हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ये भजिया।